जो है उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए मैक्स लेजेंड चीमा शुभम एंड टैंगो सर्कल के अंदर अगर जा रहा है तो टीम वॉकआउट से फाइट देनी पड़ेगी। टीम वॉकआउट जो वो गेंद की विकेट उधर आ रहे एक ब्लॉक यहां पे आता है चीमा को भी डाउन करेंगे शुभम के ऊपर आता है नेट। व्हाट वाज दैट टीम वॉकआउट से दोनों रोल गाइस यहां पर देखते देखते तीन प्लेयर्स को डाउन कर दिया। लेजेंडिंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड दिस इज द पावर ऑफ टीम वॉकआउट रिटेलिएट करें और यहां पे टीम फिंटोस को सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा। बात करें इस पावर की वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स ऑलरेडी पांच किल्स निकाल चुके टीम फिंटोस का अगर यहां से कुछ बात आती है नीचे और गाइस जिस चीज का अंदेशा था कुछ वैसा ही होता। टीम फिंटॉक्स एक बहुत ही अच्छा हाइट का एडवांटेज पहले जो नॉक जो पहले फाइट थी वो टीम वॉक। मीनवाइल टीम रियो की एक अर्ली फाइट स्टार्ट हो चुकी है मुश्किल स्थिति में। टीम वॉकआउट होता है एक पे को डाउन करने में कामयाबी। व्हाट वाज दैट मात्र दो प्लेयर्स कोई भी यहाँ पर यू नो मौका नहीं दिया है अभी तक टीम ऑरेंज रॉक में इस गेम में वापस आने का। ओआर किल विद दैट प्ले टप्पू सेना गोज डाउन स्काउट इज वंस अगेन द ओनली मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम मवी। एक 1v3 का सिनेरियो एकेम इनके पास जरूर से मौजूद है पर पोजीशन इनकी भी रिवील है कुछ बढ़िया उसी के स्प्रे जाएंगे कनेक्शन बनाएंगे डैमेज ऑलरेडी इनके ऊपर इन्फ्लिक्ट हो चुका है और अब यहां से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल बिकॉज दोनों साइड से पुश आएगा। इट्स अ 1v4 सिनेरियो ज्यादा मौका है नहीं बट अगेन स्काउट इज द नेम। क्या कुछ नॉक है किल्स निकाल पाएंगे वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। एक स्टन जरूर से यहां पे क्लोज आएगा पर ज्यादा मौका है नहीं गाइस देखना पड़ेगा कि टीम आईडी के प्लेयर्स यहां पे करते क्रेटोस क्लोज इन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एक भी किल है वो अभी के लिए लूज करने के मूड में नजर नहीं आ रहे और देखना पड़ेगा कि टीम जॉक के प्लेयर यहां पे क्या करते हैं। क्या बढ़िया ऑफ एंगल क्रिएट करा स्नैक्स ने विद दैट M416 हेडशॉट कनेक्शन एक और नॉक आता हुआ एंड नाउ टीम जर्क इज लेफ्ट विद ओनली टू प्लेयर्स। पोजीशन इन दोनों की रिवील्ड है ब्रीथिंग स्पेस बहुत ही ज्यादा कम है एंड टीम आईएनडी लास्ट गेम में आई वुड से गाइस की वो जो कुछ चीजें रह गई थी आई वुड से वो अभी के लिए पूरा कंफर्म करने के लिए आए हैं और इनके अब दो प्लेयर स्टैंडिंग बचते हैं। अगर हम बात करें टीम जर्क की बहुत ज्यादा मुश्किल इनके लिए रहने वाला है। क्या ओपनिंग क्रिएट कर पाएंगे जी नहीं अब यहां पे सोलो मैन स्टैंडिंग बचते हैं। नाम है इनका जो फोर और मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल इनके लिए होने वाला है। रिएक्ट कन्वर्ट करने में जरूर से कामयाबी नहीं मिली थी। यहाँ पे एक सोलो मैन स्टैंडिंग बचते हैं टीम टीएफ के पोजीशन इनकी भी रिवील्ड है ब्राउन इज द नेम पर एक बार फिर से वो अग्रेशन जिसके लिए जाने जाते हैं सॉरी फर्स्ट स्पॉट करके डाउन किया ओवर इज ऑन अ रोल गाइस। क्या बढ़िया गेम प्ले दिखा रहे और बैक टू बैक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकाले एक बार फिर से कुछ क्रूशियल किल्स निकालने में कामयाब पर ये थोड़ा ओवर एक्सेसिव पुश हमें जरूर से देखने को मिला। ओवर वंस अगेन बीइंग द सेवियर यहाँ पर जो नॉर्वेज की पोजीशन यहाँ पर रिवील्ड टीम ब्लाइंड के बॉन्ट है जो उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील कर दिया पेन इज स्पॉटेड ऑन पॉइंट पे जाते हुए टीम जीएक्सआर ओवर इस द नेम पांच किल्स ऑलरेडी निकाल चुके और एक बार फिर से कुछ क्रूशियल ओपनिंग अपनी टीम से निकालते हुए अब मॉन्टेज की पोजीशन भी रिवील्ड है मेरे ख्याल से उनको भी ज्यादा मौका मिलेगा नहीं। जल्दी जल्दी जो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो टीम जीएक्सआर मुश्किल स्थिति में कुछ बढ़िया स्प्रे आएंगे कनेक्शन बनाएंगे उतना बढ़िया रिटेलिएशन में देखने को मिलता है। अल्ट्रॉन इज डाउन एमजे यहां पर डाउन हो जाएंगे। मीनवाइल टीम आईटी के जो कैसे वो क्लोज इन करते जा रहे आतंकी को यहां पे स्पॉट करके डाउन कर दिया टीम जीएक्सआर से सोलो मैन स्टैंडिंग बचते हैं मैक्स कश और अभी के लिए इनको हील भी करना है 10 मीटर का फासला तय करना है मात्र 12 सेकंड का टाइम इनके पास है। टीम आईटी के प्लेयर्स यहां पे क्लोज इन करेंगे मेरे ख्याल से टीम जीएक्सआर का एलिमिनेशन इज समथिंग व्हिच आई कैन विटनेस। जी हां यहां पे टीम जीएक्सआर हो जाएंगे एलिमिनेट और टीम आईएनडी का कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस। नाउ गाइस टीम इंडियन टाइगर्स आर द ओनली टीम जो अभी टीम आईएनडी और चिकन डिनर के बीच में खड़े हैं बट अगेन इनका जो गन पावर है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन का यहां पे डैमेज आएगा। टीम आईएनडी पिछले गेम में #3 आए थे बहुत ज्यादा क्लोज से चिकन डिनर के इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। इट्स एके ओपी जो है वो भी हो जाएंगे डाउन एंड नाउ प्रधान जो है वो भी डाउन है। सारंग बीन द ओनली मैन स्टैंडिंग 1v4 का सिनेरियो।